वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आंध्र ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं आज एवेन्यूज़ और आज आपको दिखाएंगे हम एवेन्यूज़ कैसा है। ये आपका मिडिल ईस्ट का जो है सेकेंड लार्जेस्ट मॉल है, काफ़ी बड़ा है और चार फेज में है। तो वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कैसा है एवेन्यू। आपको ले आया हूँ मैं अलगानी में, यहीं से मैंने अपना वो जो फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो मैंने यहीं से लिया था। तो चलिए देखते हैं कैसा है, अभी क्या प्राइस चल रहा है इसका। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे 299। तो ये एक साइड स्टोर है और काफ़ी बढ़िया स्टोर है ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। ये क्विज में सबसे बेस्ट है, मतलब स्मार्टफोन चाहिए आपको, जो भी आपको घर से रिलेटेड कोई भी सामान चाहिए आपको, टीवी, स्मार्ट टीवी, वॉचेस, आयरन का प्रेस, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे कैसा है एवेन्यूज मॉल। काफ़ी बढ़िया मॉल है ये, वैक्यूम क्लीनर्स यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है। वॉशिंग मशीन मेरी इटली सैमसंग। तो अभी मैं हूँ फेज़ वन में, तो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी क्राउड होता है। और यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है ब्लॉगर के लिए, अगर किसी को बिना पूछे आपने अगर वीडियो या फ़ोटो ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक कि दुबई में जो है, दुबई में तो डिपोर्शन का भी आपको डिपोर्ट कर दिया, अगर आपने किसी के इजाज़त के बगैर आपने फ़ोटो या वीडियो निकाला तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, ऐसा उन्होंने रूल पास किया। तो मैं आपको ले चलूँगा, तो अभी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ फेज़ वन में, आपको ले चलूँगा आप फर्स्ट। यहाँ पे ऊपर में जो है आपका सीने स्केप है, देख सकते हैं अंधेरा छाया हुआ है, मतलब अभी शो चल रहा है यहाँ का सिनेमा हॉल। और ये आपका अपना है आइकिया, आइकिया का भी एक दिन मैं ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं एवेन्यूज़ टूर पे निकल रहा हूँ। तो ब्लॉग को अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैसा है एवेन्यूज़। तो ये है फेज़ वन। आपको बता दूँ कि एवेन्यूज़ जो मॉल जो बना था, मतलब स्टार्ट हुआ था बनने के लिए आपका 2007 में, और इसको फेज़ फोर तक कंप्लीट होने में तकरीबन 15 साल लग गए। देखिए कितना शानदार नज़ारा है, मतलब ये जो है ना, ये फेज़ वन है, यहाँ पे गाड़ियों का एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये है फेज़ वन, काफ़ी बेहतरीन सा नज़ारा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाओ इट्स द एवेन्यूज़। अंडर आर्मर काफ़ी बेहतरीन ब्रांड है, जो मतलब स्पोर्ट पर्सन के लिए, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं काफ़ी पसंद करते हैं इसको। अब आ गए हैं फेज़ टू में हम, ये है फेज़ टू, काफ़ी शानदार है। यहाँ एवेन्यूज मॉल को इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिवाइड किया है, मतलब कि फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर। बताइए इस मॉल को बनने में 15 ईयर्स लग गए। जब मैं तो यहाँ 2012 में आया था, लेकिन मेरे आने के बाद भी 10 सालों तक काम चलता रहा। यहाँ पे शेक शेक ब्रांड है, यहाँ पे देखिए कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पे ओल्ड मर्सिडीज़ बेंच का जो गाड़ियों का एग्जीबिशन लगा हुआ है, काफ़ी बढ़िया है। तो इतना शानदार सा बेहतरीन जो देख सकते हैं क्या नज़ारा है।
एथलीट स्टोर, यहाँ पे कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, चले देख लेते हैं कोई शूज़ वगैरह मेरे हिसाब का लग जाए तो, कोई बढ़िया सा शूज़। टी शर्ट तो दिख रहा है यहाँ पे एडिडास का, पहले 15 KD का था, अभी 8 KD का है। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, लग रहा है कि 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं आप। ये जो मॉल को इन्होंने डेकोरेट किया है ना यूरोपियन स्टाइल में, मतलब बहुत सारे अलग अलग देशों से इन्होंने आर्किटेक्चर को बुलाया था, फुट लॉकर, काफ़ी बेहतरीन सा यहाँ पे नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो और एक चीज़ बता दूँ, ये आप देख रहे हैं स्टॉल छोटा छोटा जो परफ्यूम के, आपको हर फेज में 2-4 जगह मिल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे परफ्यूम के लोग काफ़ी शौकीन होते हैं। आप पिक्चर देखिए, हर जगह सेल चल रहा है, 50% सेल, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना थोड़ा स्लो टाइम है, बिजनेस स्लो रहता है, तो इस टाइम में ये हमेशा जो है ये लोग डिस्काउंट लगाते रहते हैं। मतलब देखिए हर ब्रांड में हर जगह पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई रिनोवेशन का काम चल रहा है या कोई ब्रांड नया आने वाला होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्माइल, यू आर एट द एवेन्यूज़ राइट, और यहाँ है द प्लेस टू बी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कुवैत में जो मेरा 70% जो मैंने काम किया है, मैंने एवेन्यूज में ही काम किया है। 8 सालों तक मैंने यही एवेन्यूज में काम किया है। अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से हमें लोकेशन चेंज करना पड़ा, क्योंकि कंपनी चेंज करना पड़ा, तो मुझे काफ़ी लगाव है एवेन्यूज से, क्योंकि एवेन्यूज जो जगह है ना रियल में सच में एक जो है काम करने का जगह है। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आप बोर नहीं होंगे अगर आप जैसे नेक्स्ट ब्रांड। और यहाँ जो है ना फेज टू जो एंड होता है यहाँ पे, ये नीचे देख सकते हैं, ये डीन ड्रुका का जो रेस्टोरेंट है, ये आके फेज टू यहाँ पे एंड होता है। और ये बहुत ही वाइड प्लेस है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज होता रहता है हमेशा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड मर्सिडीज बेंज की गाड़ियों का एग्जीबिशन लगा हुआ है, काफ़ी बेहतरीन है, और यहाँ पे फेज टू एंड होता है। अभी हम आपको ले चलेंगे फूड कोर्ट की तरह, जहाँ पे एवेन्यूज का जो है 2 फेज़ में इन्होंने बनाया है, बीच में यहाँ और फिर एक लास्ट में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका फूड वर्ल्ड, देख सकते हैं। तो फूड कोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि बर्गर पिज़्ज़ा सैंडविचेस मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि ये एवेन्यूज मॉल जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आपको यहाँ पे मैकडोनल्ड मिल जाएगा। देखिए कितनी क्राउड है यहाँ पे, लोग यहाँ पे मतलब जो है नाइफ चिकन और बर्गर किंग यहाँ पे देख सकते हैं, और आगे जो है यहाँ पे KFC भी है। वीडियो को मैंने फेज़ 1 से लेके फेज़ 4 तक शूट किया, तो काफ़ी लंबा वीडियो है, तो वीडियो को देखने के लिए आप हर पार्ट को देखें। मैंने इसको डिवाइड करके कई पार्टों में बनाया है, तो अगर व्यूज गलत उठाना है तो सब पार्ट को देखें।